हेलो गाइस, वेलकम टू द एमएमएस एकेडमी। ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अब रेगुलर वीडियो एमएमएस एकेडमी चैनल पे आएगी। तो ये वीडियो बेसिकली फुल अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर होने वाली है। हाँ, काफ़ी टाइम से लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, काफ़ी मेम्बर हो, काफ़ी सब्सक्राइबर, कि सर कोई यूट्यूब पर वीडियो लाइए अफिलिएट मार्केटिंग, कोई ऐसा मेथड बताइए जो वर्केबल हो, जो वर्क करे और जिससे अफिलिएट मार्केटिंग की जा सकती है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो बेसिकली होने वाली है और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एक एक पार्ट को, चाहे मैं उसमें आपको गूगल एड्स के बारे में बता रहा हूँ या लैंडिंग पेज के बारे में बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट वीडियो कंप्लीट वॉच करना है अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो और कंप्लीट अफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हो। अब सबसे पहले मैं कुछ चीज़ आपको समझा देता हूँ। उसके मार्केट प्लेस पे आप देखोगे तो बहुत सारी निशेज है प्रमोट करने के लिए। आप देखोगे हेल्थ एंड फिटनेस, ई बिजनेस, होम एंड गार्डन, कुकिंग फूड, ग्रीन प्रोडक्ट, बिजनेस इन्वेस्टिंग, यहाँ पर बहुत सारी निशेज है प्रमोट करने के लिए। लेकिन हम कौन सा प्रोडक्ट पिक करने वाले हैं, उससे पहले क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ गूगल डॉक्स की मदद से। गूगल डॉक्स में आपको समझा देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके यूज़फुल है तो इस वीडियो को आगे देखें, क्योंकि क्या जो चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं, वो सबसे पहले मैं इसमें हम एक प्रोडक्ट पिक करेंगे, क्लिकबैंक का प्रोडक्ट पिक करेंगे, क्लिकबैंक का प्रोडक्ट रहेगा। क्लिकबैंक के बाद लैंडिंग पेज यूज़ करेंगे। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन आप नेटलीफाई यूज़ कर सकते हो लैंडिंग पेजेस के लिए। देन उसके बाद गूगल एड्स यूज़ करेंगे। और गूगल एड्स में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, देखो गाइस, दो तरीके का अफिलिएट मार्केटिंग होती है, या तो आप पेड मेथड से करिए या आप ऑर्गेनिक मेथड से करिए। अब ऑर्गेनिक मेथड में बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, और पेड में भी जब आप पेड मार्केटिंग करते हो, क्लिकबैंक के प्रोडक्ट को पेड के थ्रू प्रमोट करते हो, तो उसमें भी बहुत अलग अलग ऑप्शन आते हैं। लाइक आप यूट्यूब एड्स चला सकते हो, आप सर्च एड चला सकते हो, आप बिंग एड चला सकते हो, आप फेसबुक एड चला सकते हो। लेकिन इसमें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब एड्स, और यूट्यूब एड्स में भी अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग प्रमोट करने के ऑप्शन होते हैं, लेकिन कोई एक मेथड बताऊंगा जो वर्केबल और अच्छा हो आप लोगों के लिए। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। गूगल एड्स हम यूज़ करने वाले इसमें। अब सबसे पहले क्लिकबैंक का प्रोडक्ट। तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं प्रमोट करने के लिए, लेकिन हम यूज़ करने वाले यूट्यूब एड्स के लिए। बेसिकली यूट्यूब एड्स चलाएंगे तो हम यूज़ करेंगे प्रोडेंटिम, क्योंकि प्रोडेंटिम काफ़ी अच्छा रहता है यूट्यूब एड्स के लिए, और एल्पलिन। यूट्यूब एड्स में हमेशा ये वर्क करते हैं और उस पर ईजिली सेल भी आ जाती है। डेंटल हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है प्रोडेंटिम। अब इसके लिए लैंडिंग पेज चाहिए होगा। डायरेक्टली ये वाला लिंक आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ये वाला लिंक डायरेक्टली यूज़ करोगे यूट्यूब एड में, सर्च एड में, हमेशा सस्पेंड का इशू आता है और अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। कभी कभी क्लिकबैंक का अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। तो आपको ये वाला लिंक कभी यूज़ नहीं करना। आपको क्या करना है, इसका होपलिंग जनरेट करो। होपलिंक जनरेट करने के बाद इसके लिए लैंडिंग पेज रेडी करो। अब लैंडिंग पेज रेडी करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है, क्लिक फनल है, सिस्टम डॉट आईओ है, लेकिन मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ नेटलीफाई का एक लैंडिंग पेज। इसका लिंक मैं डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हो ये लैंडिंग पेज। ऐसा बोनस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के साथ। ये वाला लैंडिंग पेज मैं यूज़ करने वाला हूँ, काफ़ी हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज है। अब इसको किस तरह से यूज़ करना है, सर्च एड में तो ये कि सर्च एड में आप लिंक लगाते हो और इसको यूज़ कर लेते हो। उसका साइट नेम चेंज कर देते हैं एक बार, क्योंकि इस तरह के साइट नेम नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। ये मैंने सब डोमेन चेंज कर दिया इसका। अब जो हमारा सब डोमेन है वो ये, और हमारा लैंडिंग पेज है वो ये रहा। अब इसको यूज़ करना है, लेकिन सर्च एड में क्या करते हैं कि हम सीधा अफिलिएट ये जो लैंडिंग पेज का यूआरएल होता है वो डायरेक्टली लगा देते हैं, लेकिन यूट्यूब एड्स में ऐसा नहीं होता। तो अब यूट्यूब एड का कैंपेन स्टार्ट करते हैं, कैसे आप यूट्यूब एड्स के थ्रू इन प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। मैं कोई अपना एक गूगल एड अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, कोई भी एक चलेगा। ये वाला ठीक है। हाँ, ये वाला ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। और क्या करना है, किस तरह से YouTube ऐड का सेटअप करना है। Google Ads, अगर आपको पता नहीं Google Ads पे अकाउंट कैसे बनेगा, इस पर फंड कैसे ऐड होगा, तो आगे बहुत सी सीरीज़ में लेके आऊँगा जो Google Ads के ऊपर भी होगी, Facebook Ads के ऊपर भी होगी, बट अभी के लिए सिर्फ कैंपेन का सेटअप। क्योंकि अगर ये सब बताने बैठूँ Google का अकाउंट कैसे बनेगा, कैसे इसमें फ़ंड ऐड करोगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी गाइज। अभी सिर्फ कैंपेन क्या करेंगे, Google Ads अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा तो YouTube पे बहुत सारी वीडियो हाउ टू क्रिएट गूगल एड अकाउंट, गूगल एड अकाउंट क्रिएट करिए, उसमें फंड ऐड करिए, और न्यू कैंपेन का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे।
न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जब भी आप कैंपेन लगा रहे हो, चाहे अपने बिजनेस पर्पज से लगा रहे हो, चाहे आप अफिलिएट पर्पज से लगा रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं कि आपको सेल्स ऑब्जेक्टिव चाहिए, आपको लीड ऑब्जेक्टिव, किस तरह का आपको ऑब्जेक्टिव चूज करना है, आपको वेबसाइट ट्राफिक चाहिए। हमेशा अफिलिएट का सेटअप लगा रहे हो तो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल करो, क्योंकि आपके पास कोई ऐप प्रमोशन नहीं है, लोकल स्टोर विजिट प्रमोशन नहीं करना, आपको वेबसाइट ट्रैफिक भी चाहिए, तब भी आपको सर्च एड चलाना है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल करो अफिलिएट मार्केटिंग में। लीड्स आपको चाहिए, सेल्स भी आपको चाहिए, लेकिन ये सब मत चूज करो जब आप अफिलिएट मार्केटिंग का कैंपेन लगा रहे हो। अपने बिजनेस पर्पज से कर सकते हो, सेल ऑब्जेक्टिव, लीड ऑब्जेक्टिव, बट क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको सर्च एड चलाना चाहते हो या परफॉर्मेंस मैक्सिमम एड चलाना चाहते हो, डिस्प्ले एड चलाना चाहते हो, शॉपिंग एड, डिस्कवरी एड, स्मार्ट ऐप डाउनलोड चाहते हो। हम यूट्यूब एड चलाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर और भी ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं, ड्राइव कन्वर्जन, नॉन स्किप ऑन स्ट्रीम एड, टारगेट फ्रीक्वेंसी, एफिशिएंट रीच, गेट व्यूज़। अब हमें क्या चाहिए, स्किपेबल एड, नॉन स्किपेबल एड चलाना चाहते हो या स्किपेबल एड चलाना चाहते हो, लेकिन यही वाला यूज़ कर लो, हम आगे चेंज कर लेंगे। कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कैंपेन का नाम रखो, प्रोडेंट टीम से रिलेटेड रख सकते हो जो भी आपका प्रोडक्ट है। मेक श्योर करें कि जो कैंपेन हम लगा रहे हैं यूट्यूब एड्स के लिए लगा रहे हैं, सर्च एड के लिए नहीं है। बीडी स्ट्रेटेजी मैक्सिमम सीपीयू रहेगी, कैंपेन टोटल को हटा के डेली रख सकते हो, जितना भी आपके पास बजट है, चाहे 2000 का बजट है, 3000 पर डे लगाने का बजट है, 4000 लगाने का बजट, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ 2000 पर डे लगा रहा हूँ। कब से स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी डेट सेलेक्ट कर लो और कब एंड करना चाहते हो। अगर आपके पास दो तीन दिन का बजट है तो सिर्फ टेस्टिंग करें स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में सेल आ जाती है दो तीन दिन के अंदर तो फिर उसको कितना भी बढ़ाए। तो यहाँ पर मैंने 19 से स्टार्ट किया, 21 से। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नेटवर्क का, इसको मैंने वीडियो पार्टनर डिसिप्लिन नेटवर्क को अनचेक किया। ये बहुत ही टाइम बिजी टाइम में वीडियो बना रहा हूँ गाइस, और इसलिए कि कुछ लोगों को हेल्प मिल जाए यूट्यूब एड्स का या कुछ और, जिससे वो थोड़ा सीख सके कि यूट्यूब एड्स का कैंपेन कैसे लगे। काफ़ी ऑथेंटिक वीडियो है तो वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है। और लोकेशन की बात आती है, लोकेशन हमेशा प्राइमरी में यूनाइटेड स्टेट ही रखना है। और आप स्टेट वाइज एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी आपको कोई स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट लेने, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप ये मत करो क्योंकि आपको बहुत कंजेस्टेड टारगेटेड ऑडियंस हो जाती है, आपकी जो रीच है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो दो तीन कंट्री को टारगेट करेंगे, यूके ले लेते हैं, 3 कंट्री, एक और बढ़ा सकते हो ऑस्ट्रेलिया, अदरवाइज जाने दो। इंग्लिश लैंग्वेज रखेंगे, रिलेटेड वीडियोज़ में कुछ नहीं रखेंगे, एडिशनल सेटिंग में आएंगे, किन डिवाइस पर चलाना है आपको, डिवाइस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, टैबलेट और टीवी स्क्रीन को हटाओ, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन को रहने दो। तो यहाँ पर और भी ऑप्शन आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम तक आप डिवाइस तक टारगेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि जो एप्पल यूज़ करते हैं उन्हीं को आपका कैंपेन शो हो, उन्हीं को आपका कैंपेन शो होगा। आप चाहते हो कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करे और उनको ऐड दिखना चाहिए उन्हीं का। आप चाहते हो किसी नेटवर्क पे ऐड चलाना तो उन्हीं लोगों को ऐड दिखेगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कैपिंग, कि एक बंदे को आप कितनी बार ऐड दिखाना चाहते हो, उसके बाद सामने कितनी बार ऐड लेके जाना चाहते हो। तो पर डे 2 से 3 का टारगेट रखो, 3 बार उसको ऐड दिखे, उसके बाद भी वो क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे नहीं जा रहा तो उससे ज़्यादा ना दिखे, क्योंकि वो फिर इंटरेस्टेड नहीं है। हेड शेड्यूल ऑल डे रखिए, अपने एक्सपेरिमेंट के सुबह शाम का रख सकते हो, अदरवाइज 24 आवर्स चलेगा। गेट ग्रुप का नाम रख देंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग एज का क्राइटेरिया चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मेल एंड फीमेल को टारगेट करना है, क्योंकि प्रोडक्टिव मेल एंड फीमेल दोनों के हिसाब से रन करता है। एज का क्राइटेरिया हमेशा 35 से लो, ठीक है। मैं अपने पर्सनल मेंबर को भी बताता हूँ जो जिन्होंने मेंटरशिप ली है, क्योंकि एज का क्राइटेरिया यही सबसे बेस्ट होता है। अननोन को हटाओ, लोअर 50% को हटाओ, ये रहने दो सिर्फ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। 4 तरीके की टारगेटिंग होती है यूट्यूब एड्स पे, 4 तरीके की इतनी नहीं बोलेंगे, 5 तरीके की होती है, उसमें रिमार्केटिंग भी होती है यूट्यूब एड्स में। ऑडियंस सेगमेंट के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो, आप कीवर्ड्स के थ्रू टारगेट कर सकते हो, आप टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक के थ्रू टारगेट कर सकते हो, आप प्लेसमेंट के थ्रू टारगेट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर करने वाले कोई एक टारगेटेड ऑप्शन के साथ, हम कीवर्ड के साथ, यहाँ पर कीवर्ड के साथ हम टारगेट करने वाले। तो कीवर्ड किस टाइप के रहेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडेंटी में। अब यहाँ पर भी 2 तरह की कंडीशन होती है गाइज, कि आप जो कीवर्ड्स रखोगे या तो आप अपने रखिए नीश से रिलेटेड, यानी हेल्थ, जैसे आपकी नीश है डेंटल हेल्थ से रिलेटेड, राइट। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो ब्रांड बिल्डिंग, क्योंकि यूट्यूब एड्स में ब्रांड बिल्डिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो आपका गूगल एड अकाउंट सस्पेंड होगा, अगर एड डिसअप्रूव हो सकता है वो 5 मिनट में दोबारा बन जाएगा अगर कुछ रीज़न वाइज डिसअप्रूव मारता है, लेकिन एड अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। तो आप प्रोडक्ट के नाम से लेके चलो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो कुकीज़ होती है, जो भी लोग सर्च करते हैं सर्च में जाके, तो वो कुकीज़ कहीं ना कहीं उनके पास सेव हो जाती है। वो यूट्यूब पर भी कोई वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत
इम्पोर्टेंट बात है कि अगर वो कोई सर्च कर रहा है यहाँ पर प्रोडेंटिम रिव्यूज़ प्रोडेंटिम, तो कुकीज़ वगैरह सेव हो जाती है। अब गूगल को पता है कि इस जो पर्सन है यूएसए में बैठा है, कनाडा में बैठा, उसने ये चीज़ सर्च की थी, राइट? उसने सर्च की थी, अब वो यूट्यूब पे भी है तो यूट्यूब पे उसको इसी तरह के कंटेंट रिकमेंड करेगा वो। तो हमेशा अगर आपको कंजेस्टेड बजट है, आपके पास थोड़ा ही बजट है, तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा एक्सेक्ट मैच में कीवर्ड प्रोडेंटिम, 2 से 3 कीवर्ड, ज़्यादा कीवर्ड नहीं, प्रोडेंटिम रिव्यूज़ कर सकते हो। प्रोडेंटिम ऑफिशियल साइट, देर से 2 से 3 कीवर्ड, ज़्यादा कीवर्ड नहीं रखने। ज़्यादा कीवर्ड लेके चलोगे तो फिर एड इधर उधर जाएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट का भी है, जिन लोगों को नहीं पता कि इन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे लगाया, इनको एग्जैक्ट मैच बोला जाता है। यानी मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने यहाँ पर सर्च आके सर्च किया प्रोडेंटिम प्रोडेंटिम रिव्यूज़, मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को मेरा ऐड दिखना चाहिए यूट्यूब पर भी, जो प्रोडेंटिम से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, प्रोडेंटिम रिव्यूज से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, प्रोडेंटिम ऑफिशियल साइट से रिलेटेड वहाँ पर सर्च कर रहे थे सर्च में। तो ऐसे लोगों को हमारा ऐड शो होगा, ऐसे लोगों को हमारी वीडियो शो होगी। सिर्फ 3 कीवर्ड के साथ मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट मैच लगाया, आप फ्रेश मैच लगा सकते हो, लेकिन ब्रॉड मैच में कभी मत रखना। ब्रॉड मैच का मतलब होता है कि आप आगे पीछे ब्रैकेट अगर छोड़ोगे, खाली ब्रॉड मैच लेके चलोगे, तो वो वर्क नहीं करेगा, आप फिर आपका कैंपेन इधर उधर कहीं भी चलेगा। सिर्फ 3 कीवर्ड के साथ हम जाएंगे, ज़्यादा कीवर्ड के साथ नहीं जाएंगे। और ब्रॉड मैच में, ब्रॉड मैच का मतलब होता है कि आप यहाँ पर ब्रैकेट हटा दोगे, यानी आप फ्रेश मैच में रख रहे हो ना, आप एग्जैक्ट मैच में रख रहे हो, आप सीधा ब्रॉड मैच में रख रहे हो, तो ब्रॉड मैच में थोड़ा सा पैसा वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ तो डाल दी कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं प्रोडक्टिव से रिलेटेड। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वीडियो कहाँ से आएगी यूट्यूब एड्स के लिए, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो अक्सर मैं यूज़ करता हूँ। यूट्यूब पे चलते हैं और यहां पर मैं सिंपल सर्च करूंगा प्रोडेंटिम रिव्यूज। यहां पर कोई भी एक वीडियो ले लो, लेकिन 6 मिनट से नीचे की वीडियो होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-6 मिनट से नीचे की वीडियो। ऑलराइट, ऑल यू हैव टू डू इज टेक इट एवरी, इसका लिंक कॉपी करो, यहां पर पेस्ट कर दो। स्किपेबल चलाना चाहते हो तो स्किपेबल, और नीचे यूआरएल में क्या डालेंगे, लैंडिंग पेज का यूआरएल। ये हो गया कॉल टू एक्शन में, लर्न मोर रख सकते हो, लर्न मोर काफ़ी अच्छा है। हेडलाइन में, हेडलाइन में आप डालोगे क्लिक हियर, दैट्स इट। अब एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं अपने ऐड का, किस तरह का ऐड हमारा दिखने वाला है। Hey folks, how are you doing? My name is Vic. I hope you're all fine. And today I कुछ इस तरह से आपका ऐड दिखेगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि जो कंटेंट आपने किसी का यूट्यूब चैनल से लिया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यानी उनको कोई खबर नहीं कि वो कहाँ पर कौन लोग उनका जो यूट्यूब है, यूट्यूब की वीडियो वो प्रमोट कर रहे हैं। आपको तो सिर्फ इतना काम लेना है कि कोई भी जिनकी भी वीडियो है वो अच्छी वीडियो आपको लग रही है कि आपके यूट्यूब एड्स पर काम कर सकती है, तो आप इस तरह से उठा सकते हो। लेकिन कोई भी लर्न मोर के बटन पर क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, अब ये प्रीव्यू मोड में है, लेकिन जिसने भी लर्न मोर के बटन पर क्लिक किया वो सीधा कहाँ जाएगा, आपके लैंडिंग पेज पर, आपके लैंडिंग पेज पे आएगा। और उसने जैसे ही परचेज किया उसका सीधा सीधा कमीशन आपको मिलेगा। और यहाँ पर स्किपेबल इनफेड एड भी चलता है, लेकिन इनफेड एड में कोई और वीडियो में बताऊंगा या कभी। और काफ़ी ऑथेंटिक वीडियो देखो, यहाँ पर थंबनेल वगैरह सब काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद सीधा बिड स्टेटेज, यहाँ पर CPU कितना जा रहा है, क्योंकि आप बाहर की कंट्री को टारगेट करो, कितना जा रहा है, 5 रुपीज़ 92 पैसे, तो यहाँ पर 6 रुपीज़ मैंने इसको कर दिया। अब CPU हमारा 6 रुपीज़ जाएगा, क्योंकि आप इंडिया से बाहर की कंट्री को टारगेट करो तो थोड़ा ज़्यादा जाता है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्रिएट ए कैंपेन पर आप क्लिक करोगे और आपका कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर ये मुझे कंफर्मेशन मांग रहा है, इसको कंफर्म कर देते हैं। हाँ, कंटिन्यूड कैंपेन पे क्लिक करेंगे और आपका कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। आधे घंटे में ये रिव्यू होगा और उसके बाद ये रन हो जाएगा। अब ये दिखाएगा अंडर रिव्यू,
और आधे घंटे बाद ये अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद रन हो जाएगा। अब इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनके गूगल एड अकाउंट सस्पेंड होते हैं सर्च एड में, जबकि यूट्यूब एड्स में नहीं होते। तो सर्च एड में कभी भी अकाउंट सस्पेंड नहीं होते, लेकिन अगर बार बार आप सेटअप करोगे या बार बार ऐसे लैंडिंग पेज या कुछ ऐसे कंटेंट यूज़ करोगे जिसमें जो कॉन्ट्रोवर्सल हो, तो उसमें तो हमेशा सस्पेंड होंगे। आप देखोगे यहाँ पर मेरा कब का अकाउंट है गाइस, यहाँ पर मेरा देखो कब का अकाउंट है। अगर मैं ऑल टाइम क्लिक करूँ तो ऑल टाइम में डेट आ रही है 8 जुलाई 2022, यानी एक साल से ऊपर का मेरा अकाउंट है, एक साल से ऊपर का मेरा अकाउंट चल रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं इसमें अफिलिएट रन नहीं करता, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इसमें मेरे अफिलिएट भी रन होते हैं। लेकिन इसमें यह कि कभी कभी अपने यूट्यूब वीडियोज़ भी कभी प्रमोट कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारा काफ़ी अच्छा वार्म अप हो रखा है और काफ़ी बजट आप यूज़ करते हो उसमें गूगल एड अकाउंट के अंदर, तो ईजिली रन होता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और रही बात इसकी कि मैं अफिलिएट रन नहीं करता, तो मैं अफिलिएट पे भी रन दिखा देता हूँ। बहुत से मेंबर के हमने कैंपेन रन किए हैं अपने गूगल एड अकाउंट के अंदर, और अपने भी बेसिकली काफ़ी किए, 4000 पर डे लगा के, 6000 पर डे लगा के। एक कैंपेन ये चल रहा था, इसमें दिखाता हूँ, ये हमारा यूज़ हुआ था और किसी रीज़न वाइज एड डिसअप्रूव हुआ था, अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ, और इसमें आप देखो क्लिक भी आए। तो गाइज अकाउंट चलते हैं, अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन किसी रीज़न वाइज बहुत सी चीज़ें जैसे लैंडिंग पेज में कुछ प्रॉब्लम आएगी, अकाउंट सस्पेंड मार जाएगा, कुछ आप ध्यान से कीवर्ड्स वगैरह या आप हेडलाइन वगैरह अच्छी नहीं रख रहे हो तब सस्पेंड मार जाएगा, बहुत सी चीज़ें होती है। तो हमेशा गूगल एड अकाउंट को सिक्योर रखो, तभी आपका यूट्यूब एड्स और सर्च एड रन होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइज, और जिस तरह से मैंने कैंपेन बनाया आप यूट्यूब एड्स का सेम टू सेम कैंपेन बना सकते हो। दोबारा से वीडियो देख सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही। बाकी आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आप पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हो यूट्यूब एड्स की, सर्च एड की, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो। बाकी गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। थैंक यू सो मच।